हेलो फ्रेंड्स, आज जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं वो देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हम बनाएंगे साबुत गोभी मसालेदार। मसालेदार गोभी बनाने के लिए पहले हम गोभी के पत्तों को काट लेंगे और उसे नीचे उसका जो डंठल होता है उसको इस तरह से काटेंगे कि वो स्टडी रुक सके, जैसे हिले नहीं। फिर उसके बाद हम एक टेबलस्पून ऑयल और आधा टीस्पून चिली पाउडर, आधा टीस्पून नमक मिक्स करके इसके ऊपर उसका लेप कर देंगे ब्रश के साथ या हाथ के साथ, और फिर उसे हम ओवन में रखेंगे। ओवन में इसको मैं 55 या 50 मिनट्स रखूँगी, क्योंकि ये छोटा फूल है। अगर आपका बड़ा है तो फिर आप वो ज़्यादा देर तक रखिए। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में रख देंगे। और चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए ऑयल को पैन में डालेंगे सबसे पहले, और उसके अंदर अनियन डालेंगे। जब ये हल्का सा भून जाए तो इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे गोल्डन होने तक। और उसके बाद हम इसमें टमाटर मिला देंगे। इस तरह से रफली चॉप करके जो हम करके फिर बाद में उसको पीसते हैं तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज जो पिसा हुआ होता है उसको भूनने में काफी टाइम लगता है। अब देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसके बीच में हम टमाटर डाल देंगे। अब इनको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसे पीस लेंगे। इसे हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे, और पीसने के बाद फिर हम उसे इसी पैन में प्योरी को डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक वगैरह को आप टेस्ट करके देख लें और अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हम मसाला तैयार हो गया है, इसे हम ओवन में से निकाल के अब इसके बीच में मसाला भरेंगे। अब ये सबसे ट्रिकी काम है, इसको बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे आपको मसाला इसमें भरना है, और आप एक नाइफ़ की मदद भी ले सकते हैं ताकि अंदर तक चला जाए। वैसे ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से स्टार्ट कर लिया, अगर आप नीचे से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खूब अच्छी तरह से ताकि अंदर तक इसके मसाला चला जाए। देखिए ये तैयार हो गया। तकरीबन हम सारा मसाला इसके ऊपर लगा के फिर इसे ओवन में रख देंगे आधा घंटा के लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए जितना भी बचा था मैंने वो सारा इसके ऊपर लगा दिया। अब देखिए ये ओवन से निकल के इस तरह हो गई, और उसको मैंने ऊपर से सजाया है, गार्निश किया है धनिया के साथ। और अगर आप काटेंगे तो ये कितनी खूबसूरत अंदर से है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और फिर मैं आपको अगले बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग।